साथियों देखिए सवाल उस प्रकार से हमारे सामने कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 14, कह रहा है द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दीज नंबर्स इज 16, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स इज, कहना चाह रहा है कि सर कुल 8 नंबर हैं जिनका एवरेज उसने हमें दिया हुआ है 14 है, उनमें से 6 नंबर का एवरेज उसने हमें दिया हुआ है कि 16 है, तो पूछ रहा है कि बचे हुए तो 2 नंबर उनका एवरेज क्या होगा। यहाँ पर एवरेज ही पूछा, नंबर नहीं पूछे। तो देखो सिंपल सी बात है, अब हमें पता है कि यहाँ 8 नंबर का अगर मैं सम निकाल लूँ तो मुझे बताया कि 8 × 14 कर दूंगा मैं, ठीक है, और वैसे ही मैं 6 नंबर का भी सम निकाल सकता हूँ, उनमें से जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे 2 नंबर का सम मिल जाएगा और फिर उसे 2 से डिवाइड दे देंगे तो एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ तरीके से हमारे सामने यहाँ पर आप देख पा रहे होगा कैसे करूँगा मैं, ए नहीं नो नो, तो सम ऑफ 8 नंबर्स, ठीक है, तो जाएगा 8 × ठीक है भाई, और 8 × 4 कितने होते हैं 32 का 2 कैरी 3 और 8 × 8 = 3 तो आ जाएगा 112, ठीक है। तो सम ऑफ सम आ गया, 8 नंबर्स का सम आ चुका है ये। अब हम निकालेंगे सम ऑफ 6 नंबर्स, तो वो आ जाएगा हमारा कितना 16 है और 6 तो 16 × 6 = 96 होते हैं भाई। अब इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो 2 नंबर का सम मिलेगा, तो सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू 112 − 96, तो 2 में से 12 में 6 गए तो कितने बचेंगे 6 ही बचेंगे, और यहाँ 10 में से गए 16 बचेगा, तो ये आया हमारा 16, ये 2 नंबर्स का सम है सर। अब एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि एवरेज क्या होता है कि इस 16 को अगर मैं इस 2 से डिवाइड दे दूंगा तो हमें मिलेगा 8 क्या होगा एवरेज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमें पता है कि एवरेज क्या होता है, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 2 नंबर्स का सम कितना है 16, उनमें 2 से डिवाइड दे देंगे तुम्हें एवरेज मिल जाएगा।